आइए दोस्तों, तो आज शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी कविता की, जो अगर वास्तव में वो दृश्य आप या हम में से कोई देख लेता तो हमारा दिल दहल जाता। अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, डेरेक वॉलकॉट के द्वारा लिखी गई एक ऐसी कविता है जो बहुत ही भयानक दृश्यों को बयां करती है। तो वैसे तो देखने में ऐसा लगता है कि कविता बड़ी सरल है, बड़ी इजीली समझ में आ जाएगी, लेकिन ये बहुत ही, अगर आप इसको अध्ययन करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो बहुत ही आपको टफ लगेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इस कविता को मैंने तीन चरणों में आपके लिए तैयार किया है। एक ही वीडियो में तीनों चरण में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड समझा देता हूं, जिससे आपको कविता को समझने में, उसकी जो लाइन्स हैं उनको समझने में आसानी हो। यह कहानी है डेरेक वॉलकॉट के केन्या में होने वाले माओमाओ विद्रोह की, जिस विद्रोह का उद्देश्य केन्या की किकुयू जनजाति को अन्य, जो वहां पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद था, उसको खत्म करना था। और यहां पर सबसे खराब, और जिसको कहूंगा कि बहुत ही बेकार बात यहां पर यह थी कि इनका उद्देश्य, अपने उद्देश्य को पाने के लिए इन्होंने दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया, यानी बंदूकों का इस्तेमाल किया, लोगों को जलाया, मारा, काटा, सब कुछ इन्होंने किया। और डेरेक वॉलकॉट का जो हृदय था वो इसी बात से दोनों ही तरफ बराबर तराजू के पार्टों में उन चीजों को तोल रहा है। इस कविता में वो उपनिवेशवाद, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है, उसकी, उनके द्वारा जो लिए गए एक्शंस थे, उनकी भी भर्त्सना करते हैं, और साथ ही उन लोगों की भी भर्त्सना करते हैं जिन्होंने माओमाओ विद्रोह को चलाने में अनेक मासूमों की जान ले ली। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, इस कविता की। पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताता हूं, जिससे आपका माइंड मेकअप हो जाए, आपको कहानी समझ में आए। तो सबसे पहला आपको बता दूं दोस्तों कि आप इसमें एक जो टाइटल पढ़ते हैं इस कविता में, ये बैकग्राउंड इसलिए जरूरी है कि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो ये कविता बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगी। डेरेक वॉलकॉट का जो उद्देश्य है, सेंट लूशियन पोयर के नाम से इनको जाना जाता है, तो वो उद्देश्य सफल नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माओमाओ विद्रोह, जिसको माओमाओ रेबेलियन भी कहा जाता है, माओमाओ रेबेलियन इसको कहा जाता है, विद्रोह इसको कहा जाता है, ठीक है, ये नाम इसको दिया गया। इसका एक मीनिंग जो है दोस्तों वो है गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, ठीक है। और इसके कुछ अलग भी अर्थ हैं। सबसे पहले आपको बता दूं इसकी शुरुआत 1952 to 1960 में हुई। इस विद्रोह को माओमाओ विद्रोह, रिविलियन, केन्या आपातकाल यानी केन्या इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है, और माओमाओ विद्रोह के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको माओमाओ विद्रोह, केन्या इमरजेंसी, केन्या आपातकाल के रूप में इसको हम जानते हैं। अब ये है क्या दोस्तों, समझिए, केन्या भूमि और स्वतंत्रता सेना के बीच यह एक ऐसा विद्रोह था जो केन्या लैंड, ध्यान से सुनिएगा, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, केन्या लैंड और फ्रीडम आर्मी के बीच ब्रिटिश केन्या कॉलोनी, ब्रिटिश केन्या कॉलोनी, याद रखिएगा, ब्रिटिश केन्या कॉलोनी में एक युद्ध था। केन्या भूमि यानी केन्या के जो लोग हैं, आर्मी है, उनके बीच में, और जो वहां पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद था, उनके मध्य एक विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह का जो स्थान था वो ब्रिटिश केन्या कॉलोनी थी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं दोस्तों, ये बैकग्राउंड है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक गुप्त राजनीतिक समाज, ये जो माओमाओ विद्रोह था, माओमाओ लोग थे, उनके बारे में आपको बता दूं, ये एक राजनीतिक समाज इन्होंने एक बना लिया, एक पॉलिटिकल ग्रुप इन्होंने बना लिया।
इसके अंदर किकियू 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 जनजाति के लोग शामिल हैं। अब आपको बता दूं कि ये जो किकियू जनजाति हैं, ये केन्या के निवासी हैं, ठीक है दोस्तों, केन्या के एक ट्राइब है, ये एक जनजाति है जिसकी स्थापना 1952 में हुई, ठीक है। इस ये जो आंदोलन बना, ये जो विद्रोह हुआ, इस ग्रुप की स्थापना 1952 में एक आतंकवाद के कृत्यों द्वारा, मींस इनका जो उद्देश्य था मारकाट करके यहां से जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था उसको खत्म करना था, केन्या के से यूरोपीय बसने वालों, यानी जो यूरोप के लोग वहां पर अपना उपनिवेश बना चुके थे उनको हटाना, उनको बाहर निकालना, इस उद्देश्य के साथ इन्होंने किकियू जनजाति जो कि केन्या की प्रॉपर जनजाति है उसको माओमाओ विद्रोह में शामिल कर लिया। माओमाओ का अर्थ मैंने आपको बता दिया, इसका अर्थ था गेट आउट चले जाओ यहां से चले जाओ। अब ये किकियू लोग कौन है जरा इनको समझ लीजिए, मैंने एक बार बता दिया फिर आपको बताता हूं। किकियू पूर्वी अफ्रीका ईस्ट अफ्रीका में निवास करने वाले एक प्रमुख जनजाति है, एक ट्राइब है वहां की, ठीक है। और ये जो माओमाओ विद्रोह था इसमें सबसे बड़ा रोल जो था दोस्तों वो किकियू जनजाति के लोगों का था। ठीक है, तो किकियू जनजाति के लोगों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया, और आगे मैं इवेंट्स बताऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इसके बता दूंगा तब आपको पोएम समझ में आएगी। माओमाओ उग्रवादी अफ्रीकी राष्ट्रवादी आंदोलन, देखिए इसको क्या कहा गया है, अफ्रीकी उग्रवादी अफ्रीकी राष्ट्रवादी आंदोलन। अब राष्ट्रवादी इसलिए कहा गया क्योंकि यहां बात हो रही थी केन्या से जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था उसको खत्म करने की, इसलिए केन्या के दृष्टिकोण से यह राष्ट्रवादी आंदोलन था, के दशक में केन्या के किकियू लोगों के बीच उत्पन्न हुआ था, और यह केन्या के जो प्रमुख ट्राइब है किकियू उनके बीच ये उत्पन्न हुआ। माओमाओ ने केन्या में ब्रिटिश वर्चस्व, देखिए मैं बात कर रहा था ब्रिटिश वर्चस्व, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था उसको खत्म करने के लिए हिंसक प्रतिरोध की वकालत की, उन्होंने कहा हम हिंसा के द्वारा इनको मारेंगे लड़ेंगे और इनको यहां से भगाएंगे, उसके लिए चाहे तरीके कुछ भी हो उन सभी तरीकों को अपनाने के लिए हम तैयार हैं। यह आंदोलन विशेष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में एकता को बढ़ावा देने के लिए किकियू सेंट्रल एसोसिएशन के नेताओं द्वारा नियोजित अनुष्ठान शपथ से जुड़ा हुआ था, यानी कि आपको बता दूं किकियू सेंट्रल एसोसिएशन के नेताओं के द्वारा भी इसमें बढ़ चढ़ करके भागीदारी की गई और उन्होंने इस आंदोलन, इस रिबिलियन, माओमाओ रिबिलियन में पार्टिसिपेट किया और लोगों को इसमें और ज्यादा बड़े रूप में शामिल होने की वकालत उन्होंने की। तो एक बात आपको स्पष्ट हो गई होगी अभी तक, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है माओमाओ रिबेलियन, जिसकी डिटेल, जिसके बारे में डेरेक वॉलकॉट ने अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका में लिखा है। इस विद्रोह के मूल जो लोग थे वो किकियू जनजाति के लोग थे जो केन्या की एक ट्राइब है, उनकी भाषा भी किकियू लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। इसमें बहुत सारे संगठन, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स मिलकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। इनका उद्देश्य है उपनिवेशवाद, ब्रिटिश उपनिवेशवाद को खत्म करना था बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी प्रकार से, चाहे उनको बंदूक चलानी पड़े, चाहे उनको मार काट कत्लेआम करना पड़े, और जो कि किया भी गया, ठीक है। इसी बात को डेरेक वॉलकॉट अपनी फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका जो पोएम है उसमें वो बताएंगे। आगे का पॉइंट और स्पष्ट करता हूं, एक सबसे खतरनाक और दर्दनाक घटना मैं आपको बताऊंगा। देखिए इन्होंने स्थापना की किसकी, के एल एफ ए,
अब ये क्या था, अगर आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो के एल एफ ए के बारे में आपको पता होना चाहिए। के फॉर केनिया, एल फॉर लैंड, एफ फॉर फ्रीडम, ए फॉर आर्मी। ये बना केन्या भूमि और स्वतंत्रता सेना, केन्या लैंड एंड फ्रीडम आर्मी के एल एफ के बीच ब्रिटिश केन्या कॉलोनी में एक संग्राम था, एक विद्रोह था। ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये के एल एफ ए जरूर याद रखिएगा। अब सीधे आपको इंपॉर्टेंट, इसमें दो जनजातियां और शामिल थी दोस्तों। आज आपको ऐसा लगेगा कि सर इंग्लिश छोड़ के हिस्ट्री आपको पढ़ाने लगे हैं, लेकिन पोयम इतनी गंभीर, इतनी दर्द भरी है कि अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो फिर आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप इसको समझें। किकियू लोगों ने मेरू लोगों और एम्बू लोगों के प्रभुत्व वाले के एल एफ ए में कांबा और मसाई लोगों की इकाइयां भी शामिल थी, यानी कि इसमें एक कांबा ट्राइब, मसाई ट्राइब, ये लोग भी इसमें शामिल थे, ठीक है। और इनका उद्देश्य क्या था दोस्तों, श्वेत यूरोपीय उपनिवेशवादियों, है ना, श्वेत यूरोपीय उपनिवेशवाद, यानी कि व्हाइट यूरोपियन यानी ब्रिटिशर्स उपनिवेश जो उनका कॉलोनियलिज्म था उसको हटाना, ठीक है। ब्रिटिश सेना और स्थानीय केन्या रेजिमेंट के खिलाफ लड़ाई थी। चलिए अब एक सबसे अंतिम और इंपॉर्टेंट घटना आपको बता देता हूं, दो पॉइंट यहां पर बताऊंगा, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश लोगों का यह मानना था, ब्रिटिश और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण यह था कि माऊमाऊ एक बर्बर हिंसक, ठीक है, सैवेज और वायलेंट भ्रष्ट आदिवासी पंथ था। इनका कहना था, ब्रिटिश लोगों का मानना था कि ये माऊमाऊ जो संगठन बना है ये सैवेज गंवार लोगों का एक पंथ है जो बहुत ही ज्यादा हिंसक है, जो असभ्य है, अनसिविलाइज है, उनका ये पंथ है। आगे उन्होंने कहा, जो तर्क के बजाय अनर्गल भावना, जो लॉजिक के स्थान पर अनर्गल भावना यानी विभिन्न प्रकार की द्वेष की भावना की अभिव्यक्ति थी। माऊमाऊ विकृत आदिवासीवाद था, उन्होंने कहा कि यह विकृत आदिवासीवाद था, ठीक है। अब इनका एजेंडा क्या था, इनका मोटो क्या था, इन्होंने क्या कहकर के किकियू जनजाति के लोगों को शामिल किया। इन्होंने कहा कि आपकी जो अवस्था थी वो पुराने दिनों में आपको होना चाहिए, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है उसने आपकी जो चीजें थी उनको छीन लिया है, तो आप अगर हमारे साथ आएंगे तो आप अपनी पुनः पूर्व वाली स्थिति में आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, आप सबसे इंपॉर्टेंट घटना मैं आपको बता देता हूं जिसकी वजह से डेरेक वॉलकॉट बहुत ही ज्यादा एम्बिवेलेंस में पड़ गए, दुविधा की स्थिति में पड़ गए, दोराहे पर वो आकर के खड़े हो गए। वो कहते हैं कि मैं किसका पक्ष लूं, ब्रिटिश लोगों का, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का, जिन्होंने बहुत सारे गलत रास्तों को अपना करके केन्या की जनता पर अत्याचार किया, उनका पक्ष लूं, या माऊमाऊ जो विद्रोह चलाने वाले थे उनका, जिन्होंने बहुत सारे श्वेत लोगों को बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी कारण के, निर्दोष होने के बावजूद भी उनको मौत के घाट उतार दिया। एक इवेंट, सबसे बड़ा इवेंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो लारी बस्ती का है दोस्तों। माऊमाऊ आतंकवादी कई युद्ध अपराधों के दोषी थे। सबसे कुख्यात जो उनके द्वारा कारनामा किया गया, जो ब्लड शेड किया गया, वो थी 25-26 मार्च 1953 की रात, जिसको लॉरी की बस्ती की घटना के रूप में जाना जाता है। लॉरी की बस्ती, हाँ, उसके रूप में उनको जाना जाता है। किया क्या दोस्तों इन्होंने यहां पर, ऐसा क्या हुआ जिसने डेरेक वॉलकॉट जैसे जो विद्वान थे उनको लिखने पर मजबूर कर दिया और उनका दिल दहल गया, और उन्होंने कहा ये दोनों ही रास्ते, चाहे वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के हों या माऊमाऊ लोगों के अपने पर्सनल उद्देश्यों, दोनों ही रास्ते बहुत ही असभ्यतापूर्ण हैं। इसमें लोगों का रक्त बहाया गया है और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस ओर अपना व्यू दूं। तो देखिए उन्होंने क्या किया दोस्तों, लारे की बस्ती में वो लोग पहुंचे, उन्होंने हमला किया, उन पर हमला किया, जिसमें उन्होंने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को
झोपड़ियों में बांध दिया। दोस्तों ये लाइन ध्यान रखिएगा, ये मेन लाइन है कि महिलाओं को बच्चों को झोपड़ी में बांध दिया और उन पूरी की पूरी बस्ती में झोपड़ियों में बांध करके उन सभी झोपड़ियों में आग लगा दी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और उसमें आग लगा दी। जो भी भागने का प्रयास करता था उसे फेंकने से पहले चाकू से काट दिया जाता था, उन्हें जलती हुई झोपड़ियों में वापस भेजा जाता था, धक्का दे दिया जाता था। दोस्तों इस घटना ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को हिला करके रख दिया और उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस चला करके वहां से जो मऊ रिबिलियन था उसको दबाने का, उसको खत्म करने का पूरा पूरा प्रयास किया। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी दोस्तों जो आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप पोएम पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें आएंगी। ठीक है, तो लॉरी पर आप देखिए इसके बारे में बता दूं, इसके बारे में किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया कथन है कि लॉरी पर हमला इतना चरम था कि अफ्रीकी पुलिसकर्मी, जो अफ्रीका की पुलिस थी जिन्होंने पीड़ितों के शवों को देखा, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा कि शारीरिक रूप से बीमार थे। मतलब जिन्होंने उन दृश्यों को देखा था, उन जलती हुई झोपड़ियों में से निकलने वाले शवों को देखा था, तो वो जो पुलिसकर्मी थे अफ्रीका के, वो लोग उन शवों को देख करके बीमार पड़ गए थे। इतना भय, इतनी आक्रांता वहां पर दिखाई गई थी, इतनी क्रूरता से उन लोगों को मारा गया था, ये बयान है उनके। और कहा ये लोग जानवर हैं, उन्होंने कहा दीज आर द एनिमल्स हु डिड दिस। अगर मैं अब एक को देखता हूं तो मैं सबसे पहले बड़ी उत्सुकता से गोली मारूंगा। उन पुलिसकर्मियों का यह बयान था कि अगर इनमें से कोई भी मुझे मिल गया तो सबसे पहले मैं हूंगा जो इनको गोली मारूंगा। और इनमें कई मऊ समर्थकों को भी झकझोर दिया। अब ये घटना इतनी दर्दनाक थी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स मऊ रिबिलियन की वकालत करते थे वो भी घबरा गए थे और उन्होंने कुछ मंचों पर इस विद्रोह को क्रिटिसाइज करने का कार्य शुरू कर दिया। तो ये थी दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये था बैकग्राउंड इस कविता का। तो आइए अब मैं आपको ये आपका, मैंने आपको बोला था कि तीन चरणों में मैं आपको ये कविता पढ़ाऊंगा। ये पहला चरण था बैकग्राउंड का, जिसमें आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा पोएम क्या है, पोएम के बारे में। देखिए दोस्तों ये हैं आपके की फैक्ट्स। जो आपको ध्यान रखने हैं की फैक्ट्स के लिए या एग्जाम पॉइंट्स के लिए जो आपको याद रखने हैं। ये बैकग्राउंड दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बैकग्राउंड में आपको इसलिए बताया कि इसके बिना आप पोएम नहीं समझ पाते। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका इज रिटन इन फ्री वर्स। दोस्तों ये पहला एग्जाम पॉइंट है कि ये फ्री वर्स में लिखा गया। ठीक है, पहला एग्जाम पॉइंट अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका इज रिटन इन फ्री वर्स। ठीक है, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका हैज 33 लाइंस। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें 33 लाइंस हैं, ब्रोकन इंटू थ्री स्टैंजास। ये तीन स्टैंजास में डिवाइडेड है। वो तीन स्टैंजा कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला 10 लाइन का, दूसरा 11 लाइन का और तीसरा 12 लाइन का। इस प्रकार मिलाकर के हो जाती है 33 लाइंस। ठीक है, तो तीन स्टैंजा है इसमें दोस्तों। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। दीज स्टैंजा, ये जो स्टैंजा है, दीज स्टैंजा यूजेस अ फ्लेक्सिबल राइम स्कीम एंड मीटर। इन स्टैंजास में फ्लेक्सिबल राइम स्कीम का प्रयोग किया गया, मतलब है भी नहीं भी, मीटर भी उसमें कभी संतुलित है, कहीं कहीं पर पेंटामीटर है, कहीं पर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा कि ये फ्री वर्स है। आगे देखिएगा दोस्तों, द पोएम्स फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंजा लेंथ क्रिएट्स ए काइंड ऑफ मिडिल ग्राउंड बिटवीन फॉर्मल वर्स एंड फ्री वर्स। मतलब एक ऐसा मोड इसमें बन गया कि भाई ये इसमें फ्री वर्स भी है,
फॉर्मल वर्ब्स भी हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो मीटर का प्रयोग किया गया है, वैसे तो ये फ्री वर्ड्स है, लेकिन कहीं कहीं पर इसमें आयम्बिक पेंटामीटर जो है वो हमको देखने को मिलता है। यदि आप आयम्बिक पेंटामीटर को समझना चाहते हैं तो YouTube पर मेरे चैनल पर वनराज गोस्वामी स्टडी सेंटर पर आप ये देख सकते हैं, जिसमें मैंने मीटर स्टेंजा आदि फॉर्म्स को बताया है, ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर आगे कहा है, इट डज नॉट फॉलो अ स्ट्रिक्ट राइमिंग पैटर्न, इसमें कोई पर्टिकुलर राइमिंग पैटर्न नहीं है। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए है दोस्तों वो ये है, द पोएम doesn't follow a steady rhyme scheme, यानी इसमें कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, एक बार रिवीजन आपका करा देता हूं। 33 लाइंस है, फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, 3 स्टेंजास में डिवाइड है, ठीक है। पहला 10, दूसरा 11, तीसरा 12, इस तरह से, ठीक। आयम्बिक पेंटामीटर की इसमें झलक देखने को हमको मिलती है और पर्टिकुलर कोई भी राइम स्कीम इसमें नहीं दी गई है। द पोएम इज डीपली रूटेड इन अफ्रीका, पोएम के अंदर जो भाग दिखाया गया है वो अफ्रीका की बैकग्राउंड है, सारा जो भी मैटर है वो अफ्रीका का है। द लैंग्वेज यूज्ड हेल्प्स टू मेक द पोएम फील कल्चरली अफ्रीकन, उस पोएम को पढ़ के आपको ये फील भी होगा कि हाँ ये अफ्रीकन पोएम आप पढ़ रहे हैं। द टाइटल इज इन इटसेल्फ फेयरली इंटरेस्टिंग, और फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपके लिए जो एग्जाम पॉइंट है, इट सर्टेनली हैज अ डबल मीनिंग, यस ये पोएम जो है दोस्तों डबल मीनिंग रखती है। देखिए पहली लाइन ही कविता की आपको बताएगी कि इसमें डबल मीनिंग कैसे है। एक तो उठ रहा तूफान वो है जो अफ्रीका में उठा, और एक वो तूफान है जो डायरेक्ट वॉलकॉट के मन में मस्तिष्क में उठ रहा है। तो डबल मीनिंग इस कविता में लिया गया है, बिल्कुल इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, डेरेक वॉलकॉट्स 1962 पोएम अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका रेस्पॉन्स टू द माओमो अपराइजिंग, ये जो माओमो विद्रोह था ये जब बढ़ रहा था उस समय की कहानी इसमें बयां की गई है। इन केन्या के अंदर गुरिल्ला वार, एक प्रकार का गुरिल्ला वारफेयर था, फॉर बाय नेटिव कैनियंस, जो नेटिव कैनियंस थे उनके द्वारा लड़ा गया अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट। मैंने बताया था आपको ब्रिटिश जो उपनिवेशवाद था उनके खिलाफ, ठीक है। अब देखिए, द स्पीकर्स इंप्लाइड टू बी फ्रॉम अ कॉलोनी जस्ट एज वॉलकॉट हिमसेल्फ वाज हैज बोथ अफ्रीकन एंड इंग्लिश हेरिटेज, जो वॉलकॉट है वो अपने आप में दोनों ही हेरिटेज अफ्रीकन और इंग्लिश हेरिटेज लैंग्वेज रखते हैं, उनको दोनों ही जगहों से दोनों ही भाषाओं से प्रेम है। और यहां पर कहा गया है कि भाई Although the speaker hates colonial rule, के जो स्पीकर है जो वो लेखक है वो कॉलोनियल जो रूल है जो उपनिवेशवादी नीतियां हैं उनसे नफरत करते हैं, he also bristles against the gruesomeness of the rebellion, और वो कहते हैं जो अभद्रता थी रिबिलियन की विद्रोह की उससे भी उनको नफरत है, creating a feeling of deep ambivalence, कहते हैं दोस्तों दोहरी स्थिति दुविधा की स्थिति जिसमें इंसान को समझ ना आए कि इधर या उधर, ठीक है। एंड कंफ्यूजन, और उनके मन में क्या है दोस्तों कंफ्यूजन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको आधार बना करके ये कविता अब आपको इजीली समझ में आएगी। द स्पीकर एक्सप्रेसेस द डीप पेन, इस कविता के अंदर स्पीकर ने बहुत ही गंभीर विषय उठाते हुए अपने दुख को बयां किया है।
तो आइए शुरुआत करते हैं। ये था आपका सेकंड, जो मैंने बोला था आपको कि दो भागों में, तीन भागों में इसको बताऊंगा। अब जो है दोस्तों, आइए लाइन टू लाइन हम इस कविता को पढ़ेंगे। अब आपको ये पोयम इजीली समझ में आ जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए क्या कहा गया है, अ विंड, विंड के यहां पर दो मीनिंग है दोस्तों, एक हवा से और एक तूफान से। ठीक है, वो कहते हैं द विंड इज रफलिंग, रफलिंग कर रही है द टानी पैल्ट। अब टानी पैल्ट देखिए, रफलिंग का मतलब पहले तो ये समझ लीजिए, यहां पर कहा जा रहा है कि एक तूफान उठ रहा है, ठीक है, एक हवा उठती है और क्या कर रही है, वो रफलिंग कर रही है। रफलिंग का मतलब होता है दोस्तों अस्त व्यस्त कर देना, अस्त व्यस्त करना। तो कहते हैं तूफान सा उठा जिसने अस्त व्यस्त कर दिया किसको, द टानी पैल्ट। टानी मींस होता है दोस्तों पीला, हाँ पीला कलर। पैल्ट माने होता है दोस्तों चमड़ा, फर या खाल आप कह सकते हैं। तो कहते हैं अ विंड इज रफलिंग द टानी पैल्ट ऑफ अफ्रीका, कि एक तूफान सा उठ रहा है अफ्रीका की पीली धरती पर, सूखी हुई धरती पर, और उस तूफान ने क्या किया है, सभी चीजों को अस्त व्यस्त कर दिया है। मैंने आपसे कहा था कि ये जो कविता है ये डबल मीनिंग है। अब वो कह रहे हैं एक तो माओ विद्रोह की वो बात कर रहे हैं जो अफ्रीकन धरती पर चल रहा है, उस तूफान की वो बात कर रहे हैं जिसमें खूब मारकाट हो रही है, और एक तूफान उनके हृदय में उठ रहा है जो वो कल्पना कर रहे हैं उसमें वो कितने परेशान है इस बात को लेकर के कि कैसे मासूम लोगों को उनके बिस्तर में काट दिया जा रहा है। ठीक है, तो कहते हैं तूफान सा उठा है अफ्रीका की धरती पर और वो सभी चीजों को अस्त व्यस्त कर रहा है। ठीक है, पहली लाइन आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, एक तूफान सा उठा है अफ्रीका की धरती पर और पूरी अफ्रीकन मिट्टी को वो अपनी चपेट में ले रहा है, सभी लोगों की जो भी रहन सहन था उसको प्रभावित कर रहा है, मासूम लोगों को प्रभावित कर रहा है, और एक तूफान मेरे हृदय में उठा हुआ है। अब आगे देखिए आ गया किकियू, हाँ मैंने आपको बताया था ये क्या है दोस्तों, एक ट्राइब है, ये एक ट्राइब है केन्या की एक ट्राइब। क्विक्स एज फ्लाई, कहते हैं कि ये लोग उस विद्रोह में इतने क्विक हैं जैसे कि फ्लाइज होती हैं, मक्खियां होती हैं, वो चतुराई से बहुत तेजी से आगे बढ़ जाती हैं और कहां चली जाती हैं, बैटन अपॉन, हाँ बैठती हैं, निवास करती हैं, चाहती हैं क्या, ब्लड स्ट्रीम, जो खून की धाराएं बहाई जा रही हैं, ऑफ द वेल्ड, वेल्ड के घास के मैदानों में, जो कि ग्रासलैंड है वहां पर जो मासूम लोगों की हत्या की जा रही है, जो खून बहाया जा रहा है। तो ये किकियू जनजाति के लोग जो माओ विद्रोह में शामिल हैं, ये लोग लोगों का खून इस प्रकार से बहा रहे हैं और इतने क्विक हो गए हैं जितने की मक्खियां होती हैं, और वो खून चूसने के लिए हर समय तैयार रहती हैं, ऐसे ही ये किकियू जनजाति के लोग हैं। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आगे चलते हैं। अब वो कहते हैं क्या कि कॉर्प्सेस आर स्कैटर्ड, कॉर्प्स कहते हैं दोस्तों शवों को, इसको शव या लाश, हाँ तो जितनी लाशें हैं वो कहते हैं आर स्कैटर्ड, बिखरे पड़े हैं थ्रो अ पैराडाइज। अब पैराडाइज कहा गया है दोस्तों अफ्रीका को, हाँ अफ्रीका को क्या कहा गया है, पैराडाइज। ये अफ्रीका की धरती में चारों तरफ लाशें ही लाशें, खून ही खून बिखरा पड़ा है, क्योंकि दोनों ही जो पार्टी हैं, दोनों ही जो विरोधी हैं, वो अननेसेसरी जो चीजें हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। ब्रिटिश अपने अपने नए नए कानून लागू कर रहे हैं, नए नए प्रकार से इस विद्रोह को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, और ये जो विद्रोह करने वाले हैं ये भी विभिन्न प्रकार से ब्रिटिश उपनिवेशवाद को उखाड़ फेंकने के लिए अननेसेसरी मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं।
ओनली द वॉर्म। अब कहा गया देखिए देखिए क्या मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा दोस्तों, समझ में आएगा, कहीं कहीं पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा पूरी लाइन। ओनली द वॉर्म, वो कहते हैं केवल मात्र एक कीड़ा कर्नल ऑफ कोरियन कैरियन कैरियन कहते हैं दोस्तों सड़ा हुआ मांस, सड़ा हुआ मांस। कहते हैं कि एक मात्र कीड़ा कर्नल ऑफ द कैरियन सड़े हुए मांस से क्राइज चिल्लाता है। क्या कहता है देखिए दोस्तों, थंबनेल में मैंने नीचे लाइन डाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको जरूर आप याद रखिएगा। वही लाइन यहां पर है, क्या कहा गया है दोस्तों, कहा है वेस्ट नो कंपैशन। कि अपने साथियों से कहता है, अन्य लोगों से कहता है, अन्य कीड़ों से कहता है कि भाई वेस्ट नो कंपैशन, कोई भी दया मत दिखाना, वेस्ट नो कंपैशन, कोई दया मत दिखाना ऑन दीज सेपरेट डेड, जितने भी ये मरे हुई बॉडी शरीर पड़े हुए हैं, इन किसी शरीर पे कोई भी दया मत दिखाना, जितना हो सके उतनी क्रूरता से इनको खाना, इनको खत्म करना, इनको नष्ट करना। तो कहा वेस्ट नो कंपैशन ऑन दी सेपरेट डेड। अब क्यों ऐसा कह रहा है वो दोस्तों, वो कहता है स्टैटिस्टिक्स जस्टिफाई, क्योंकि जो भी इनके जीवन के कर्म थे, जो भी इनके आंकड़े थे, वो ये बताते हैं कि इनको जो भी मिला वो सही मिला है? इनके कर्मों के अनुसार जो इनके शरीर मृत पड़े हुए हैं, जो उन्होंने बोया वही इन्होंने काटा, इनको मिला है, इसलिए वेस्ट नो मर्सी, कोई दया दिखाने की आवश्यकता नहीं। एंड स्कॉलर सीज और कुछ विद्वान भी इस बात को मानते हैं, द सेलियंस ऑफ द कोलोनियल पॉलिसी, कुछ लोगों को इस बात पर भी भरोसा है, आगे बढ़ने के लिए लोग तैयार रहते हैं कि जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है उसकी नीतियां अच्छी हैं। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं और कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो किकुयू जनजाति के लोग कर रहे हैं, जो माओ विद्रोह वाले लोग कर रहे हैं, वो ठीक है। आगे क्या कहा गया दोस्तों, फिर एक सवाल उठता है राइटर के मन में, डायरेक्ट वॉलकॉट के मन में, और वो क्या सवाल है दोस्तों, कहते हैं व्हाट इज दैट, वह क्या था, वह क्या है। तो द व्हाइट चाइल्ड, उस बच्चे के साथ, उस श्वेत बच्चे के साथ जिसको काट दिया गया, हैंग माने होता है बेरहमी से कत्ल करना, कत्ल करना। कहते हैं कि बेरहमी से उस बच्चे का, उस श्वेत बच्चे का, उस ब्रिटिश बच्चे का कत्ल कर दिया गया इन बेड, जब वो अपने बिस्तर में था। टू सेवेज और उनका क्या, जिनको माना जाता है क्या, मकार गवार, क्योंकि ब्रिटिश लोग उनको गवार कहते हैं। एक्सपेंडेबल्स एज यूज, अब यहां पर आपको बता दूं कि जब बहुत ज्यादा ये विद्रोह बढ़ गया तो ब्रिटिश लोगों ने बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए दोस्तों, और एक ऑपरेशन में उन्होंने कम से कम 10,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 20,000 लोगों को शरणार्थी, जो रिफ्यूजी कैंप होते हैं, उनमें शरण लेनी पड़ी, और वहां पर उनको विभिन्न प्रकार से अपने उद्देश्यों को छोड़ने के लिए, अपने विचारों को बदलने के लिए टॉर्चर किया गया। तो वो बात यहां पर कही गई है कि उनको ऐसे ऐसे जैसे ज्यूज होते ना यहूदी के, उनको उनको हम अलग प्रकार से अपनी धाराओं से, अपने विचारों से बदलेंगे, तो उनको इस तरह से रखा गया। तो दोनों ही लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई सफेद बच्चे को काट दे रहा है बिस्तर में, कोई गवार कह रहा है, कोई कह रहा है कि ये इनकी विचारधारा को बदला जाए। तो देखिए दोस्तों, ये थी आपकी शुरुआती जो लाइन थी, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बड़ी टफ पोएम है मेरे हिसाब से, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी कविताएं पढ़ी हैं दोस्तों, लेकिन ये कविता बैकग्राउंड अगर इसका आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। मुझे भी बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ी कि मैं कैसे आपको ये मैसेज डिलीवर करूं। देखिए अब यहां पर मैं पर्टिकुलर आपको पूरा पूरा मीनिंग बता दूंगा दोस्तों। देयर सेड आउट ऑफ बीटर्स, जो बीटर्स थे, हराने वाले, लड़ाई करने वाले, उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले, रिबिलियन करने वाले, द लॉन्ग रशिश ब्रेक, और उस लंबी अवधि के बाद
जिसमें उन्होंने बहुत सारा जो जो जनता थी उसको कुचला, अपने उद्देश्यों को पाया इन ए वाइट डस्ट ऑफ इबिसिस। अब यहां पर वो एक उदाहरण देता है दोस्तों एक पक्षी का। वो कहता है ये तो बिल्कुल उस समय की बात हो गई जब ना तो यहां पर केनिया के निवासी जो आज दिखते हैं वो थे और ना ब्रिटिश जो उपनिवेशवाद था वो थे। उससे पहले जो एक कहानी वो यहां पर कहता है कि एक पक्षी हुआ करता था जिसके शिकार के लिए बहुत सारे लोग उसके पीछे जाया करते थे और उसका बड़ी बेरहमी से शिकार कर दिया करते थे। वो बात यहां पर इबिसिस पक्षी की बात करता है। हुज क्राइज जिसकी जो आवाज थी हैव विल्ड सिंस सिविलाइजेशन डॉन। वो कहता है ये पक्षी तो जब हुआ करता था जब बहुत सारी सभ्यताओं से पहले यानी शुरुआती में बिल्कुल स्टार्टिंग में सिविलाइजेशन डॉन। डॉन का मतलब प्रभात निकलना दिन का निकलना। जब सभ्यताओं का विकास शुरू हुआ था उससे पहले फ्रॉम द पर्स्ड रिवर। पर्स्ड का मतलब होता है दोस्तों सूखी हुई। पर्स्ड रिवर सूखी उन सूखी नदियों में वो पाया जाता था। ए और बीस्ट टीमिंग प्लेन और बीस्ट टीमिंग प्लेन। अब यहां पर कहा गया दोस्तों ये पूरी लाइन जो है ये बात करती है कि भाई ये इंसान तो ऐसे हो गए हैं जैसे पहले कभी सभ्यता के विकास के शुरुआत में एक इबिसिस नामक पक्षी हुआ करता था और वो सूखी नदियों से इधर उधर से शिकार किया करता था और कुछ लोग उसका शिकार कर लिया करते थे। तो ये लोग तो बस एक शिकारवादी एक प्रे के समान हो गए कि बस जहां देखा उसको मार दिया। कत्ल करना इनका उद्देश्य बन गया है। अब देखिए क्या कहते हैं द वायलेंस ऑफ द बीस्ट ऑन बीस्ट इज रीड एज नेचुरल लॉ बट अपराइट मैन सीक्स हिज डिवाइनिटी बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन। वो कहते हैं भाई कि द वायलेंस जो वायलेंस है हिंसा है ऑफ बीस्ट एक पशु की दूसरे पशु पर ऑन बीस्ट इज रीड उसको समझा जाता है। वो बात हमें समझ में आती है कि भाई एक पशु ने दूसरे पशु को बड़ी बेरहमी से मार दिया कत्ल कर दिया उसको नष्ट कर दिया। ठीक है अब वो कहते हैं एज नेचुरल लॉ कहते कि प्राकृतिक का नियम है भाई सांप मेंढक को खा जाता है सांप को गिद्ध खा जाती है और एक दूसरे का जो इस प्रकार से कत्ल होता है तो ये नेचुरल लॉ है और ये बात हमको समझ में आती है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। आगे चलता बट परंतु अपराइट में जो ईमानदार व्यक्ति है जो सच्चे लोग हैं जो जेंटल व्यक्ति है सिक्स वो चाहते हैं क्या चाहते हैं हिज डिवाइनिटी अपनी देवियता बाय इन्फ्लिक्टिंग पेन दूसरों को पीड़ा पहुंचा करके दूसरों को दर्द पहुंचा करके। मीन्स इस टू से राइटर यहां पर ये कहना चाहता है कि पशु दूसरे पशु को मारे ये बात समझ में आती है परंतु एक इंसान एक व्यक्ति एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मार करके उसमें आनंद ढूंढे ये बात बिल्कुल भी समझ से परे है ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। कुछ लोग अपने आप की सुपीरियरिटी सिद्ध करने के लिए दूसरे लोगों पर अननेसेसरीली अत्याचार करते हैं और उनका अत्याचार कई बार इतना बढ़ जाता है जिससे सारी मानव सभ्यता जो है वो शर्मसार हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों वो कहते हैं डिलेरियस सेज दीज वरीड बीस्ट हिज वार्स डांस टू द टाइटेंड कार्केस ऑफ ए ड्रम व्हाइल ही कॉल्स करेज स्टिल दैट नेटिव ड्रेड ऑफ द व्हाइट पीस कंट्रैक्टेड बाय द टैग। देखिए क्या कहा गया डिलेरियस एज दीज वरीड बीस्ट ये सारे जो है ना ये वरीड माने चिंतित बीस्ट माने पशु ये सारे लोग जो है हिज वार्स उनके जो युद्ध है वार्स माने झगड़े हैं मारकाट है डांस नित्य दिन वो डांस करती है तैयार रहती है मीन्स कभी भी टू द टाइटन कार्केस ऑफ ओ ड्रम। देखिए यहां पर कहा गया है कि एक प्रकार से जो चमड़ी होती है जिसको ढोल बजाने में सुखा करके प्रयोग किया जाता है ये लोग बिल्कुल इस प्रकार से हो गए हैं कि मानवता को नष्ट करके लोगों का कत्लेआम करके ये अपने फायदे उनमें ढूंढते हैं। ठीक है दोस्तों आगे ध्यान देते हैं वाइल ही कॉल्स करे और कहते हैं कि ये तो बड़े उत्साह की बात है साहस की बात है स्टिल दैट नेटिव ड्रेड जब तक कि जो निश्चित लोग हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र के वो ड्रेड डर जाते हैं ऑफ द व्हाइट पीस और कहा जाता है ऑफ द व्हाइट पीस श्वेत शांति से व्हाइट पीस
कंट्रैक्टेड, जबकि वो सिकोड़ देती है, संकुचित कर देती है बाय द डेड उन मृत लोगों को। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों क्या कहा गया, यहां पर कहा जा रहा है कि दोनों ही कौन कौन, एक माओ रिबिलियन वाले और जो व्हाइट कॉलोनियलिज्म है वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है, दोनों ही अपने अपने तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिल्कुल इस प्रकार से जैसे कि एक एक जो मरा हुआ प्राणी होता है उसकी खाल का प्रयोग कर लिया जाता है, उसी प्रकार से ये लोग सभी लोगों को मार करके उनकी चमड़ी का प्रयोग अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर वो कहते हैं अगेन ब्रिटिश नेसेसिटी वाइप्स इट्स हैंड, अगेन दोबारा से ब्रिटिश, ब्रिटिश यानी कि बहुत ज्यादा खराब जो आवश्यकता है नेसेसिटी वाइप्स धो लेती हैं, इट्स माने अपने हैंड्स माने हाथों को, मीन्स मनुष्य की आवश्यकताओं ने विभिन्न चीजों को नष्ट किया है और इस प्रकार से जो मनुष्य है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के बाद अपने कृत्यों से हाथ धो लेता है। अपॉन द नैपकिन, अब यहां पर कहा गया दोस्तों कहा नैपकिन से, कैसे नैपकिन से, ऑफ ए डर्टी कोज जिसका उद्देश्य बहुत ही खराब था, अगेन ए वेस्ट ऑफ अवर कंपैशन, और इस बार फिर से मैं कहूंगा कि जो भी दया थी वो सब एक वेस्टेज है, वो उसका कोई प्रयोग नहीं है। एज विद स्पेन, अब यहां पर दोस्तों को उदाहरण देते हैं स्पेन का, स्पेन और फ्रांस के बीच में जो युद्ध हुआ तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ये नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, क्योंकि उस युद्ध में सभी को मालूम है बहुत सारे मासूम लोगों की हत्या होती है, लेकिन वो लोग बहुत सारा प्रयास करने के बावजूद भी उस युद्ध को नहीं रोक पाए, तो वही उदाहरण यहाँ पे डेरेक वॉलकॉट देते हैं, वो कहते एज विद स्पेन द गोरिल्ला रेसल्स विद द सुपरमैन, कि उन्होंने भी लड़ाई की किसके साथ, सुपरमैन के साथ, अफ्रीका सॉरी स्पेन और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ। अब यहां से एक टर्न ऑफ थॉट आपको देखने को मिलता है, देखिए दोस्तों टर्न ऑफ थॉट क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये तूफान उठा हुआ है किसके मन में, ये तूफान है दोस्तों डेरेक वॉलकॉट के मन में, जिनको सेंट लुशियन पोएट कहा जाता है, याद रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो कहते हैं आई हु एम पॉइजन्ड, आई मन में हूं जिसको एम पॉइजन्ड, जहर दे दिया गया। अब जहर देने से मतलब क्या है दोस्तों यहां पे, वो कहते हैं मैंने दोनों ही चीजों को देखा है, दोनों ही लोगों की मारकाट को देखा है और ये तो मेरे लिए जहर के समान है, विद द ब्लड ऑफ बोथ, दोनों का ही रक्त मेरे सामने है, वेयर शैल आई टर्न, मैं किस ओर जाऊं मुझे समझ में नहीं आता, डिवाइडेड टू द वेन, मैं तो अपने शरीर से अपनी नसों से अपने विचारों से दोनों ही ओर फंसा हुआ हूं, आई हु हैव क्रस्ड, मेरे को कुचला गया, मेरी भावनाओं को कुचला गया, मुझे समझ में नहीं आता मैं किसका पक्ष लूं, मैं दोनों के ही खिलाफ हूं, दोनों के ही पक्ष में हूं और मैं ये देखता हूं कि दोनों के द्वारा जो रास्ते अपनाए गए वो बहुत ही कठोरतम थे, उनको नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, उसने मानवता को संसार किया है। द ड्रंकन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश रूल, मैं उनका पक्ष लूं जो ड्रंकन ऑफिसर है ब्रिटिश रूल के, वो अपने इच्छा के अनुसार नियम बनाते हैं और अत्याचार करते हैं, हाउ चूज, मैं कैसे चुन सकता हूं बिटवीन दिस अफ्रीका एंड द इंग्लिश टंग, कि मैं कौन सी भाषा का प्रयोग करूं कौन सी भाषा का प्रयोग ना करूं, जबकि मैं एक तरफ से अफ्रीकन हूं और एक तरफ से मुझको इंग्लिश टंग भी बहुत ज्यादा पसंद है, आई लव, वो कहते हैं आई लव, मैं जिसको प्रेम करता हूं, बेटर देम बोथ, मैं दोनों को ही त्याग दूं क्या, और गिव बैक व्हाट दे गिव, और उनको वही दूं जो उन्होंने मुझको दिया। दोस्तों आपको समझ में आई होगी पोएम, बोले मैं उनको वही दूं जो उन्होंने मुझको दिया, हाउ कैन आई फेस सच स्लॉटर एंड बी कूल, मैं किस प्रकार से इस हत्या स्लॉटर जो एक दूसरे को काटना है मारना है, स्लॉटर हाउस होते हैं ना दोस्तों, मार काट है, बोले मैं कैसे इसका सामना कर सकता हूं और इसको देखने के बाद भी मैं कैसे शांत रह सकता हूं, ये मुझे समझ में नहीं आता। उन्होंने प्रश्न चिन्ह प्रश्न ओरिजिनेट किया है, हाउ कैन आई टर्न फ्रॉम अफ्रीका एंड लिव, मैं कैसे अफ्रीका को छोड़कर के चला जाऊं और कहीं पर रहने लगूं, ये बात मुझको समझ में नहीं आती। तो दोस्तों ये थी कविता डेरेक वॉलकॉट, सेंट लुशियन पोएट, इन्होंने एक कविता लिखी अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, वो कहते हैं अफ्रीका की आवाज क्या है उसको सुनिए, वास्तव में दोनों ही जो
पार्टियां हैं, ब्रिटिश उपनिवेशवाद है और माओवाद विद्रोह करने वाले हैं, किकुयू जनजाति के लोग हैं, उन्होंने बहुत ही असंवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिए। और मैं भी इस दुविधा में हूं कि मैं किसका पक्ष लूं और किसको अच्छा बताऊं किसको गलत बताऊं। जो भी कुछ हुआ गलत हुआ तो ये एक तूफान है जो उनके हृदय में उठ रहा है उस मारकाट को देखने के बाद। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पोयम पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।